मैं भी मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बाड़मेर जिला एक रेगिस्तानी जिला है, ये दूर दूर फैला हुआ है, ढाणियों में रहते हैं लोग, गांव में एक जगह रहते नहीं, इसलिए गांव में एक स्कूल खुल जाने से वहाँ दूरियां बहुत हैं, बच्चों को बहुत दूर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, इसलिए प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी से मिडिल है, मिडिल से सीनियर सेकेंडरी है, ये रेगिस्तान और पहाड़ी एरिया, ट्राइब एंड डेजर्ट एरिया में आप संख्या बढ़ाएंगे तो जाकर के हमारे आने वाले समय में जो स्कूलों की मांग है उसकी पूर्ति हो पाएगी, ऐसा मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि आप उस पर ज़रूर ध्यान देंगे। पिछली बार जब आपकी सरकार थी तब आपने 13 सप्ताह के बजट में, आखिरी बजट में जो राजस्व गांव थे, जिन राजस्व गांव में प्राथमिक विद्यालय नहीं था उन राजस्व गांव में प्राथमिक विद्यालय खोले, परंतु बाद में चुनाव हुए तो चुनाव के बाद में सरकार बदल गई, और सरकार बदलने के बाद में नई सरकार ने पहले हम शुरू नहीं करवा घोषणा की, लेकिन वो शुरू नहीं हो पाए, स्वीकृतियां जारी हो गई, सब हो गया, लेकिन मौके पे अध्यापक नहीं लगे और शुरू नहीं हो पाए, फिर सरकार बदल गई तो उन्होंने शुरू नहीं किया, और अब हमारी सरकार बने भी 4.5 साल हो गए हैं, तो इस प्रकार के जो विद्यालय उस समय स्वीकृत हुए थे वो निरस्त नहीं हुए, अभी भी वो स्वीकृतियाँ यथावत है, इसलिए आप उन स्वीकृतियों को तो तत्काल आप शुरू कराएं। मैंने शिक्षा मंत्री जी कल्ला जी को इसके बारे में कई बार निवेदन किया, परंतु बात अभी तक आगे बढ़ी नहीं है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। आप कह जब कभी भी कोई भी काम की बात रखी तो उस पर निश्चित रूप से ध्यान दिया और उसका हल किया। बाद में पहले आपने बजट में घोषणा की थी कि सभी पंचायत मुख्यालयों को डामर सड़क से जोड़ा जाएगा, और भूलवश या जानकारी के अभाव में बाड़मेर जिले में कई ऐसी पंचायतें हैं जो डामर सड़क से जुड़ी हुई नहीं थी, वंचित रह गई थी, उसका चिंतन शिविर के समय में मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, फिर 1-to-1 मिले उस समय निवेदन किया तो वो सड़कें स्वीकृत कर दी मुख्यमंत्री जी ने हस्तक्षेप करके, नहीं तो वो सड़कें स्वीकृत नहीं होती, अपने पंचायत मुख्यालय डामर सड़क से वंचित रह जाते। और जहाँ तक रहा बाकी सड़कों का सवाल, सड़कों के मामले में तो बाड़मेर के मुकाबले में और कोई जिला है ही नहीं, बाड़मेर जिला एक अकेला अलग एक तरफ है और पूरा राजस्थान मेरे ख्याल से एक तरफ है। अभी नए राजस्व गांव बने जिनकी आबादी 250 से ऊपर थी उनकी अभी स्वीकृतियां जारी हुई, 694 जिसमें से 600 बाड़मेर जिले और 94 पूरे राजस्थान में, तो आप इससे अंदाज लगा लो बाड़मेर जिले में सड़कों के मामले में कितना अपने को मिला है, जो 250 से नए राजस्व गांव जोड़ने का डेजर्ट ट्राइबल के लिए किया, अपन डेजर्ट में आते हैं इस हिसाब से इतनी ज़्यादा सड़कें अपने को मिली है, फिर भी उसमें से कुछ गांव ऐसे जो जानकारी के अभाव में या भूल से अधिकारियों प्रस्ताव आगे नहीं भेजे, कुछ गांव पीछे ऐसे रह गए हैं, तो उनको भी अधिकारियों से आप निर्देशित करें कि वो गाँव भी उनके भी प्रस्ताव भेजें और भेज करके उनके भी स्वीकृति दिलाएँ, क्योंकि वो भी आपकी घोषणा के अनुसार सड़क पाने के हकदार है। 13 चपदा में A&M की भर्ती हुई थी, उसमें जो चयन हो गया था A&M का और काउंसलिंग भी हो गई थी और नियुक्ति पत्र जारी होने रह गए थे, उनको नियुक्तियां देनी बाकी रह गई थी, इतने में सरकार बदल गई, चुनाव हुए तो फिर नई सरकार आई, उन्होंने तो वो आधे पद कर दिए, आधे पद घटा दिए, तो आधी A&M को तो नियुक्तियां मिल गई जो ऊपर मेरिट में थी, लेकिन जो पीछे आधी A&M रह गई उनको नियुक्तियां नहीं मिल पाई, जबकि वो चयनित हो गई थी, काउंसलिंग भी उनकी हो गई थी, इस पर आप ध्यान दे करके कोई न कोई रास्ता निकाल करके उनको नियुक्ति दिलाएं, ये भी मेरा आपसे अनुरोध है। पीने के पानी के बारे में अभी कहा, 13-14 में आपने नर्मदा नहर से पीने के पानी के लिए शिव चौटन और गुड़ा मालनी के लिए घोषणा की थी, गुड़ा मालनी के कुछ गाँव की योजना और शिव की तो स्वीकृत हो गई थी, काम प्रारंभ हो गया था, बाकी योजनाएं उस समय शुरू नहीं हो पाई और फिर सरकार बदल गई तो नई सरकार आने के बाद में उन योजनाओं को बंद कर दिया, निरस्त कर दिया, फिर हमारी सरकार आने के बाद में मुख्यमंत्री जी ने 19-20 के बजट में उसकी घोषणा की और उसकी वित्तीय स्वीकृति सारी हो, तकनीकी स्वीकृति सारी हो गई, टेंडर भी लग गए और 24 जून तक उसके टेंडर की अवधि है, 24 जून तक टेंडर आ जाएंगे, आने के बाद में आप मेहरबानी करके उनका जल्दी से जल्दी एग्जामिन करके टेंडरों का टेक्निकल बिड फाइनेंशियल बिड
तय करके वर्क ऑर्डर जारी करावा, जिससे कि जल्दी से जल्दी नर्मदा नहर से पीने के पानी की योजना गुड़ामालानी और चौटन दो विधानसभा क्षेत्रों की वो जल्दी से जल्दी शुरू हो सके। इसके बारे में पहले भी मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा, तो मुख्यमंत्री जी ने अखिल अरोड़ा जी को फोन भी किया, उसकी वजह से ये काम आगे बढ़ गया। अब तो फाइनल स्टेज पे है, अब आगे बहुत ही सिर्फ वर्क ऑर्डर की बात शेष रही है, तो जल्दी से जल्दी आप वर्क ऑर्डर दे करके उन योजनाओं को शुरू कराएं। अंत में यही कहूंगा, बहुत शानदार योजनाएं अगर आप लोगों को दी है, आम जनता को दी है, तो जनता को भी अब समय आपका भी है, जनता का भी समय है कि वो आने वाले समय में इन योजनाओं का कदर करें, इन योजनाओं के बदले साथ दें, कांग्रेस पार्टी का साथ दें, सरकार का साथ दें, आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनाएं, जब तो ये योजनाएं शानदार है और आप लोगों को इसका फायदा मिला है। इसलिए आपसे भी हम अपेक्षा करते हैं, जिस प्रकार से आप सरकार से मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा करते हैं, हम लोग भी आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप भी उसी प्रकार हमारे इन कामों के ऊपर ध्यान दे करके आने वाले समय में कांग्रेस के निशान हाथ पे मोर लगा करके कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।